बड़ी बात है यार, देख सकते भाई साहब यहाँ का माहौल। बाबा केदारनाथ के दर्शन हो चुके हैं हमारे, भव्य दर्शन। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हालचाल है, आशा करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे। इस वक्त मैं हूँ इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है डेमू। तो फ्रेंड्स, आज का सफर होने वाला है इंदौर से लगा के केदारनाथ तक का। हम लोग ट्रेन में भी सफर करने वाले हैं और बाय बस भी सफर करने वाले हैं, और आपको इंदौर से केदारनाथ तक मैं पहुंचाने वाला हूं फ्रेंड्स। तो पूरी जर्नी देखें कैसे हम लोग इंदौर से ट्रेन से जाएंगे, कौन सी ट्रेन से जाएंगे, कहां पे उतरेंगे, और हम लोग कैसे क्या करके हरिद्वार से केदारनाथ पहुंचेंगे। और ये है इंदौर का प्लेटफॉर्म नंबर 1, देख सकते हैं प्यारा सा नज़ारा यार दोस्तों, काफ़ी सुंदर सा स्टेशन है, काफ़ी क्लीनेस्ट स्टेशन है यार इंदौर हमारा। वेब फोर हमारा वेब 7 लगा हुआ है कानपुर शेड का फ्रेंड्स, हमारी इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस में। ये हमारी ट्रेन जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगी है और हर मंगलवार और शुक्रवार को इंदौर से शाम को 7:45 पे रवाना होती है, और पूरी रात और पूरा दिन का सफर करने के बाद रात को 9 अमृतसर लगाती है। केदारनाथ के लिए देखें फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स करेक्ट 7:45 पे हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना हो गई, और देख सकते हैं ग्रुप जो कि केदारनाथ जाने के लिए है वो भी हमारे डब्बे में बैठा हुआ है। सारे लोग चारधाम यात्रा के लिए केदारनाथ के लिए इंदौर से रवाना होते हुए। दोस्तों हमारा कोच देख सकते हैं आप यहाँ पे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह की शुरुआत होती है ग्वालियर जंक्शन से यार, और 5:50 पे ये आ चुके हम लोग ग्वालियर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। ग्वालियर की बात करें तो एक महत्वपूर्ण जंक्शन है यार, क्योंकि यहाँ से एक लाइन झांसी भोपाल के लिए निकल गई, दूसरा जिससे हम लोग जाएंगे आगरा होते हुए मथुरा से दिल्ली की ओर, तीसरा भिंड की ओर जाती है, और चौथा जो कि यहाँ से बंद हो गई यार, एक नैरो गेज की ट्रेन चला करती थी यहाँ से KLRS और छोटे छोटे कस्बों को होते हुए राजस्थान को जोड़ती थी। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। तो भाई साहब ये हमारे केदारनाथ की मंडली है जो कि पट खुलने पे जा रहे हैं यार, और बहुत बड़ी बात है कि इंदौर से हमारे लोग जा रहे हैं, और किस विषय में जा रहे हैं ये। यहाँ से हम केदारनाथ के लिए निकले हैं, केदारनाथ में हमारी पट खुलते ही प्रस्तुति है, प्रस्तुति हम जो पुणे में नासिक ढोल होते हैं बिल्कुल वो खुद हम प्रेजेंट करते हैं, हम कुछ सिखाते भी और बजाते भी, मतलब जो ढोल होता है उसका आपने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, और पट खुलते ही हमको उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है ओके उनकी तरफ से आह्वान आता तो हम ये प्रेजेंट करने वहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल यार कितनी बड़ी बात है, देखे यार हमारे हमारे भाई लोगों के लिए यार बहुत बड़ी बात है यार, देख सकते हैं भाई साहब यहाँ का माहौल। दो 9:10 पे ये आ चुके हम लोग कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में। तो देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे यार हमें लगाया है हमारी गाड़ी ने, काफी बड़ा जंक्शन और काफी बिजी जंक्शन है यार दोस्तों। इंदौर से 821 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये आ चुके हम लोग हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। तो यार फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग कट जाएंगे मुजफ्फरनगर गाजियाबाद की ओर कट जाएगी हमारी गाड़ी, न्यू दिल्ली नहीं जाती यार फ्रेंड्स हमारी गाड़ी। एक 1:20 पे ये आ चुके हैं मेरठ नगर जंक्शन। तो फ्रेंड्स 2:58 पे ये अपने करेक्ट टाइम यानी 2 पहले आ चुके हैं यार सहारनपुर जंक्शन है। सहारनपुर का प्राचीन सा स्टेशन यार देख सकते हैं, और यात्रा दोस्तों ख़त्म नहीं है, यहाँ से हम लोग हरिद्वार जाएंगे वो भी बाय बस। अब देखें हम लोगों को बस कहाँ से मिलती है, हम लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं और कुछ ही टाइम में हम लोग पहुँचेंगे हरिद्वार। ये जो दृश्य आपको दिख रहा है सहारनपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर निकलना है फ्रेंड्स अपने को, और इधर जो एरिया दिख रहा है इधर सामने बस यहीं पे है हमारा बस स्टैंड, ये है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जस्ट बाहर निकलते से ही, और ये पूरा सहारनपुर रेलवे स्टेशन इधर देखेंगे आप, देख सकते हैं ये बस स्टैंड सहारनपुर का, काफ़ी बस खड़ी हुई है देहरादून सहारनपुर हरिद्वार रुड़की सहारनपुर हरिद्वार, ये हमारी हरिद्वार रुड़की हरिद्वार ये हमारी बस खड़ी हुई है सहारनपुर
से सीधे हरिद्वार के लिए। तो सहारनपुर से निकल चुके हैं हम लोग 3:30 पे यार भाई। ये है सहारनपुर दोस्तों। करें सहारनपुर से हरिद्वार की दूरी की तो 80 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से देहरादून भी यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर के लगभग पड़ता है दोस्तों। और किराए की बात करें तो 146 रुपये का टिकट लगा है फ्रेंड्स। तो फाइनली फ्रेंड्स सहारनपुर से बस से यात्रा करने के बाद वाया रुड़की होते हुए हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार, देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में। दोस्तों आपका सभी का स्वागत है और मैं हूँ, देख सकते हैं मेरे पीछे हरिद्वार का रेलवे स्टेशन जिसके बाहर मैं खड़ा हूँ। आज 21-22 तारीख है, आज से ही गंगोत्री और यमुनोत्री के पट खुल चुके हैं फ्रेंड्स, और 25 तारीख को हमारे केदार बाबा के पट खुलेंगे। तो बस उसी की यात्रा करने के लिए अपन इस जर्नी में चलेंगे। तो सबसे पहले आपको केदारनाथ बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री जाने के लिए, चारों धाम जाने के लिए सबसे पहले आना पड़ेगा फ्रेंड्स यहाँ पे हरिद्वार। आप ऋषिकेश भी जा सकते हैं। आज की यात्रा होने वाली है अपनी हरिद्वार से लगा के केदारनाथ तक का, और केदारनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा फ्रेंड्स सोनप्रयाग। तो देखते हैं यार सोनप्रयाग के लिए गाड़ी कहाँ से मिलती है। वीडियो को मिस करिएगा मत फ्रेंड्स, पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ, क्या बस मिलेगी, क्या किराया होने वाला है, कितनी बजे बसेस यहाँ से चलने वाली है फ्रेंड्स। तो देखें, पूरे बने रहे यार फ्रेंड्स वीडियो में मेरे। रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने है यार ये है हरिद्वार का बस स्टैंड, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है यार। उत्तराखंड परिवहन निगम पूछताछ, जैसा कि मैंने अभी यहाँ के अधिकारी से बात करी, खैर वो कैमरे में तो नहीं आए पर उन्होंने मेरे से पूरी बात करी और पूरी जानकारी दी। तो यहाँ के जो बस स्टैंड से चार धाम की जो गवर्नमेंट बसें हैं वो यहाँ से नहीं है, लेकिन ऋषिकेश से आपको सारी बसेस गवर्नमेंट की मिल जाएगी दोस्तों। ये देखें अभी जानकारी लगी, ये है बस स्टैंड का गेट, इधर रेलवे स्टेशन सामने आप देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन, ये बस स्टेशन, और इधर कुछ टूर एंड ट्रेवल्स हैं, और वहाँ आगे देख सकते हैं आप कुछ बसेस लगी हैं छोटी छोटी, वहाँ चलते हैं और वहाँ बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं यार श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये देखें ये छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, जोशीमठ और बद्रीनाथ के लिए भी बस खड़ी हुई है यहाँ पे। और जोशीमठ का किराया है 580 रुपये अभी ड्राइवर साहब बता रहे थे हम लोगों को। और रुद्रप्रयाग की बात करें तो अभी रुद्रप्रयाग की बसें पूरी फुल हो गई है। तो ये पूरी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, छोटी छोटी जो गाड़ियाँ हैं यही हमें चारों धाम के लिए ले जाएंगी। तो ये सामने जो देख रहे हैं ये है राही होटल, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और आप जो ऑनलाइन करवा के गए हैं तो यहाँ पे एक बार और कंफर्मेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करा के ही आपको चार धाम यात्रा दोस्त करनी है। और दूसरी बात यह है कि आज पूरी बसेस फुल है, मतलब कल जो सुबह मॉर्निंग में है यहाँ से 3-4 चलने वाली जो बसेस हैं पूरी फुल है, प्राइवेट बसें हैं, गवर्नमेंट बसें नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या करा जाए, तो ऐसा सजेस्ट किया, अंदर बहुत हेल्पिंग नेचर के लोग थे अंदर जिन्होंने मुझे बताया कि आप ऋषिकेश जाओ, वहाँ से सारी सेवाएँ हैं, बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी गवर्नमेंट की, प्राइवेट, और वहाँ से आपकी यात्रा को स्टार्ट करो। यदि आपको हरिद्वार से ही जाना है तो आप यहाँ से रुद्रप्रयाग तक भी जा सकते हैं। रुद्रप्रयाग से आपको बसेस भी मिल जाएगी वहाँ से, और शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी जो आपको 200-250 रुपये लेके सीधे सोनप्रयाग तक पहुँचा देगी दोस्तों। हर हर गंगे, तो दोस्तों गंगा नदी में स्नान कर लिया है, और स्नान मात्र से ही यार पूरी जो थकान थी ना इंदौर से यहाँ तक की, और हरिद्वार में जो गर्मी पड़ रही थी उसकी सारी थकान मिट चुकी यार दोस्तों। ये देखें गंगा मैया का बहाव यार, इतना तेज, और 5 डुबकी लगी यार दोस्तों मेरे से, पूरा इतना ठंडा पानी था यार। अब आगे दोस्तों मैं आपके लिए जाऊंगा ऋषिकेश। फ्रेंड्स रात के 11 हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के मेन गवर्नमेंट बस अड्डे में। ये है हमारा प्राइवेट बस स्टैंड, जहाँ पे देख सकते हैं आप छोटी छोटी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे रुद्रप्रयाग, 3:15 निकल जाएगी, और रुद्रप्रयाग का किराया रहेगा कितना, 290 रहेगा। और सुबह कितनी बजे पहुँचा देगी रुद्रप्रयाग भैया? 8:30 सुबह, 8:30 हम लोग पहुंच जाएंगे रुद्रप्रयाग, और वहीं से कनेक्टिविटी सोनप्रयाग के लिए गाड़ी रहेगी जो आपको 130-120 रुपए लगभग, 130 रुपए मान के चले आप, 130 रुपए में सीधे आप रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। गांव कस्बे हैं उनको जोड़ती है देखिए गोरीकुंड, इधर देखेंगे तो ये श्वर कर्णप्रयाग। तो यार ऐसी तमाम बसें हैं, और ये श्री बद्रीनाथ गवर्नमेंट बस है। तो बता रहे हैं कि यार वो एक आगे दिल्ली से भी आती है, तो हो सकता है उसमें भीड़ हो, इस कारण से उसको चूज़ नहीं करा हमने, सीधे हम लोग जाएंगे इस गाड़ी से। दो बस स्टैंड, एक गवर्नमेंट बस स्टैंड और एक प्राइवेट बस स्टैंड, दोनों पास पास में है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बस है गोरीकुंड के लिए, लेकिन सोनप्रयाग तक ये बस सीधे जाने वाली है, और 460 रुपये
लेगी फ्रेंड्स 4:30 बजे यहाँ से ऋषिकेश बस स्टैंड जो प्राइवेट बस स्टैंड है वहाँ से निकलेगी। तो 4:30 का टाइम है इस बस का, तो आप इससे भी जा सकते हैं। बजे हम लोग निकल गए थे रात को, उसके बाद मैं सो गया और अब सुबह सुबह नींद खुली है। श्रीनगर गढ़वाल का कुछ नज़ारा। 7:30 बजे हम लोग आ चुके हैं यार रुद्रप्रयाग। हमारी गाड़ी निकली थी 3:30 बजे रात को और 7:30 बजे हम लोग आ चुके हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ से छोटी टैक्सी और बस भी मिलेगी सोनप्रयाग तक जाने के लिए। और ऐसा है कुछ सोनप्रयाग का मार्केट देख सकते हैं, अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये फ्रेंड्स देखें तो ये है मंदाकिनी नदी और यहाँ पे जाके इनका संगम हो रहा है विशाल, देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी शानदार यार संगम। इधर से आती हुई ये मंदाकिनी केदारनाथ बाबा की तरफ से और ये बद्री विशाल से आते हुए देखें यार। हमने स्नान भी किया तो काफ़ी मज़ा आया, पूरी जो थकान थी वो सब निकल गई यार, जो आलसीपन आ रहे थे नींद आ रही थी वो सारी गायब हो चुकी है। आप भी अगर आ रहे हैं तो ऐसे रुकते हुए घूमते फिरते मतलब आए तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। रुद्रप्रयाग से भी निकल चुके हम लोग और ये हमारी टैक्सी हम लोगों ने कर ली है ये कार तो यार पर पर्सन 120 रुपये ले रहे हैं यार। 100 का पहले बोला और बाद में बैठ गए तो फिर बोलते हैं 120 रुपये लेंगे गुप्त काशी तक के, तो यार टुकड़े टुकड़े में जाना पड़ रहा है क्योंकि बसेस अभी पूरी तरीके से चालू नहीं हुई है। दोस्तों ये जगह है कुंड, देख सकते हो। और यहाँ से एक रास्ता सीधा ओंकारेश्वर मंदिर के लिए ओखी मठ के लिए निकल जाता है और इधर से हम लोग जाने वाले हैं गुप्त काशी केदारनाथ। ये ब्रिज ये पहुँच गए हैं गुप्त काशी में और गुप्त काशी से देख सकते हैं ये लगा हुआ है गोरीकुंड। 33 किलोमीटर बचा है और केदारनाथ हमारे हैं 47 किलोमीटर। तो हमको जाना है सोनप्रयाग, सोनप्रयाग आज नाइट स्टे करना है अपने को। तो मात्र गोरीकुंड सोनप्रयाग और कम है, गोरीकुंड कब लगभग 4-5 किलोमीटर और आगे है, तो अपन सोनप्रयाग में रुकेंगे। तो ये नज़ारा है यार गुप्त काशी का, यहाँ से वो टैक्सी करते हैं। टुकड़े टुकड़े में आया यार दोस्तों हम लोग क्योंकि हम लोगों को घूमना भी था तो थोड़ा घूमे जैसा आपने वीडियो में देखा था, तो अलग अलग घूमते फिरते आए हैं हम लोग और अब सोनप्रयाग पहुँचेंगे। तो ऐसा है यार कुछ नज़ारा और हिम से आच्छादित पर्वत भी यार दिख रहे हैं कैमरे में, दिख रहे हैं कि नहीं आपको? बहुत ही शानदार यार बर्फ़ दिख रही है यहाँ से, हमारे बाबा। तो फाइनली फ्रेंड्स 1:10 पे ये हम आ चुके हैं सोनप्रयाग। और यार इस सफ़र की बात करें तो हम लोग गुप्त काशी से जो यहाँ का सफ़र रहा ना उसमें रोड काफ़ी ख़राब थी यार, काफ़ी जगह जगह निर्माण हो रहा है रोड का, कहीं बनी हुई है कहीं आधी अधूरी है कहीं कच्ची है, तो उसमें हमको थोड़ा सा और टाइम लगा। बाकी ओवरऑल पूरा घूमते फिरते हम लोग यहाँ पर 1 बजे आ गए दोस्तों। तो देख सकते हैं ये है सोनप्रयाग का नज़ारा, इसके आगे ही 5 किलोमीटर दूर है गोरीकुंड और वहीं से हमारी यात्रा होगी चढ़ाई की स्टार्ट केदारनाथ धाम के लिए। तो ओवरऑल फ्रेंड्स यहां तक हम पहुंचे, तो बताइएगा फ्रेंड्स कैसी क्या लगी वीडियो यार, आगे की वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे। तो दोस्तों शाम की 6:30 बजे है और हम लोग हैं अभी सोनप्रयाग में, कल हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो हमने रूम ले लिया है, रूम टूर भी आपको बताऊँगा मैं। काफ़ी भीड़ थी दोस्तों, बड़ी मुश्किल से हमको हमारा यहाँ पर रूम मिला। ये हमारी होटल का नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे आप बढ़िया से खाना पीना खा सकते हैं और हमारा रूम ऊपर है, देख सकते हैं काफ़ी शानदार होटल का नज़ारा। अब मैं आपको हमारे रूम में ले चलता हूँ, सोनप्रयाग में हुआ है और बड़ी मुश्किल से मिला है दोस्तों। ये हमारी होटल का फ्रंट वाला व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये पूरा सोनप्रयाग का प्यारा सा नेचुरल वाला इलाका। देखें आप पूरा नेचुरलिटी है पहाड़ और हमारा रूम, और बताता हूँ आपको फ्रेंड्स ऐसा कुछ यार ये है हमारा रूम देख सकते हैं। तो यहाँ पे शुभम भाई और ये हमारे दो भाई और मुंबई से, ये देखें ये टॉयलेट है, गीज़र भी लगा हुआ है। तो अब कल की यात्रा करेंगे अपन स्टार्ट सुबह जल्दी मॉर्निंग में और बताते हैं कैसा क्या माहौल रहने वाला है दोस्तों।
जय श्री केदारनाथ बाबा की जय हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं हूँ इस वक्त सोनप्रयाग में और आज की यात्रा होने वाली है अपनी केदारनाथ तक। तो सबसे पहले यार सोनप्रयाग से निकलना पड़ेगा हमको गौरीकुंड के लिए। आगे टैक्सी मिलेगी जो मैं आपको बताऊंगा और गौरीकुंड के बाद से हमारी यात्रा होने वाली है 18 किलोमीटर की पैदल। तो पूरी यात्रा देखें फ्रेंड्स, और अभी लाइन लग चुकी है, आगे चेकिंग हो रही है। जय श्री केदारनाथ। तो चेकिंग हो गई हमारी, धीरे धीरे लाइन लगा के जाने दे रहे थे, इस कारण से लंबी लाइन थी वहाँ पे। तो दोस्तों ये आ गया है ब्रिज, देखें हम इधर से आए हैं, थोड़ी सी दूर चलने के बाद ये ब्रिज आता है। इस ब्रिज को पार करने के बाद हमें टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड के लिए और वहीं से दोस्तों हमारी चढ़ाई होने वाली है चालू। जय बाबा केदारनाथ की जय हो। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम लोग गौरीकुंड के लिए, सोनप्रयाग से टैक्सी मिली हमें, ब्रिज पार करके आपको आना है और टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ से 50-50 रुपये किराया लेंगे, यहाँ से समथिंग 4-5 किलोमीटर गौरीकुंड पड़ता है और वहाँ से हमारी पैदल स्टार्ट होगी यात्रा। बाबा की जय हो। ये आ चुके हैं भैया गौरीकुंड। तो फ्रेंड्स ये है गौरीकुंड का माहौल, देख सकते हैं सुबह की 5:48 में हम लोग पहुँच गए हैं गौरीकुंड। ऐसा कुछ है माहौल गौरीकुंड का। आगे बढ़ते हैं, यहीं से दोस्तों पैदल यात्रा मार्ग चालू है। जय गौरी मैया। ये है गौरीकुंड में हमारे गौरी मैया का मंदिर, ये देखें, ये दोस्तों देखें, एक अलग ही महिमा है यार। एक तरफ देखेंगे तो पूरा ठंडे पानी का जल है, पूरा बर्फ का पानी आ रहा है और दूसरी तरफ देखें तो यार यहाँ पे गर्म जल का स्रोत है यार, पूरा कुंड है, यही है गौरीकुंड। देखें बड़ा खच्चर काउंटर। तो आप यहाँ से, ये जो लोकेशन है थोड़ा सा ऊपर आते ही यहाँ से आप घोड़े कच्चर कर सकते हैं दोस्तों। चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है तो आपको आराम से और सावधानी पूर्वक चढ़ना है, धीरे धीरे ही चढ़ना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना यार इस चढ़ाई में। केदारनाथ 15.50 और जंगल चट्टी, सीन देख सकते हैं यार आप कितना प्यारा और मनोरम दृश्य है। जय हो बाबा की जय हो। सारे खाने पीने की राशन की चीज़ें। ये दोस्तों रास्तों की पड़ाव की बात करें तो देखें आप देख सकते हैं ये ब्रिज, इस ब्रिज की केदारनाथ पिक्चर में भी शूटिंग की गई थी। काफ़ी डेंजरस ब्रिज है यार ये तो। इधर देखें आप नीचे कहाँ से आ रही है देखो, और इधर भी देखेंगे आप तो, इधर तो और ही डेंजर लग रही है। ओ भाई साहब, ओ यहाँ से फ्रेंड्स दो रास्ते निकलते हैं, इधर से भी आप जा सकते हैं भीमबली से थोड़ा आगे जाके, और एक ये वाला जो रास्ता है यहाँ से हम लोग रामबाड़ा होते हुए भी जाएंगे। तो इधर से हम रामबाड़ा होते हुए आगे की यात्रा करेंगे। और ये दोस्तों रामबाड़ा से ये जो पुराना रास्ता हुआ करता था ये था, अब यहाँ से इन्होंने ये ब्रिज डाल के नया रास्ता बनाया है। ये देखें काफ़ी ऊँची चढ़ाई है यहाँ से, और ये ब्रिज का नज़ारा दोस्तों कितना शानदार है। पर रामबाड़ा रह गया, कुछ ही दुकान है, अब ज़्यादा दुकानें नहीं है ऐसा रामबाड़ा में जो पहले प्रसिद्ध हुआ करता था। पूरा ग्लेशियर जोन आ चुका है यार, और कितनी बर्फ़ है यहाँ पे देखें आप, अंदाज़ा लगाएं आप केदारनाथ भगवान के। तो दोस्तों ये देखें, ये तीसरा ग्लेशियर है जो सबसे बड़ा ग्लेशियर लग रहा है अभी तक का। वाह वाह। ये दोस्तों ये देखें अपना पुराना रास्ता जो 2013 की त्रासदी के बाद पूरा ख़त्म हो गया है, देखें आप किस तरीके से त्रासदी आई थी, इसके निशान अभी भी हैं यार 2013 का दृश्य। ये है बेस कैंप का नज़ारा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये पूरे घोड़ों का स्टॉप है, इसके आगे घोड़े नहीं जाते हैं ये देखें। और यार अभी बात चल रही है टेंट तंबू लेने की हमारे, तो यार बहुत ज़्यादा कॉस्टली, मतलब 1,000 रुपये मांग रहे हैं यहाँ पे टेंट में स्टे के लिए। तो देखें फ्रेंड्स आज 24 तारीख को, बल्कि कबाट भी कल खुलेंगे, इतनी भीड़ है, इतना रश है और इतने मनमाने रेट लिए जा रहे हैं यार यहाँ पे यार। जय श्री केदारनाथ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको। इस वक्त है बेस कैंप में, यहाँ पे हम लोगों ने एक टेंट लिया और टेंट भी बहुत ही ज़्यादा रेट में मिल रहे थे यार, कहीं पे मिल नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने डिसीजन यही लिया कि यहाँ पे हम लोग रुकें। यह है बेस कैंप का नज़ारा देख सकते हैं। तो हम लोगों ने नाइट यहाँ स्टे करी और अब सुबह सुबह हम लोग जाएंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ का ऐसा कुछ माहौल है आप देखें दोस्तों। और ये हमारा दो टेंट लिए हुए थे भाई, एक ये है देखें, एक ये वाला टेंट है, दोनों टेंट लेके आराम से सोए। और रात का जो टेम्परेचर था ना भाई, -8 डिग्री टेम्परेचर था, मतलब इतनी ठंड लगी। तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स गर्म कपड़े के लिए, बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब मज़ा आ गया मेरे को तो, रात में बिल्कुल शरीर धूज गया था। तो ये आपको बता रहा हूँ मैं, और अब चलते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। बेस कैंप से भी अब आगे आ चुके हैं और यहाँ का माहौल देख सकते हैं आप यार, कितना गजब का दृश्य है यार ये प्राकृतिक।
हेलो, पूरा नजारा देखें दोस्तों। हेलो, इतना शानदार सा व्यू है, देखें आप। ये सामने आपको दिख रहा है फ्रेंड्स हेलीपैड, केदार डोम कॉटेज हेलीपैड के जस्ट पास में है। यहाँ भी आप बुक कर सकते हैं, बिल्कुल केदारनाथ भगवान के नज़दीक। इधर देखेंगे तो स्वर्ग रोहिणी कॉटेज है, ये फैमिली डॉर्मेटरी बेड, इसका प्राइस भी है 7700 और 1400। देखें ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ आने के लिए आपको पहले से ही बुकिंग करानी पड़ेगी दोस्तों। ये देखें फूलों से बारिश हो रही है हेलीकॉप्टर द्वारा, बहुत पहुँच गए हैं यार बाबा के धाम में। आज पट खुले हैं दिनांक 25 अप्रैल को, तो सबसे पहले तो यार बाबा के प्रांगण में आए हैं। तो ये देखिए, ये है बाबा, दर्शनों की लाइन हमारे केदार बाबा की। ये देखें, भोले बाबा भोले बाबा, जय हो जय हो बाबा। हमारे नंदीगढ़ बाबा, भीड़ देखें भैया, भीड़ देख सकते हैं भैया, ऐसी भीड़ हो रही है यार दर्शन के। फाइनली दोस्तों बाबा केदारनाथ के दर्शन हो चुके हैं हमारे, भव्य दर्शन, भव्य मंदिर, और लोगों का भी इतना ही उत्साह देख सकते हैं। आज पहले दिन ही भक्तों की संख्या इतनी खासी थी कि यार भीड़ भगदड़ हुई। ये है मंदिर का पीछे का भाग देखें, और ये है भव्य भीमशिला, देखें आप। ये भीमशिला कितना बड़ा पत्थर है यार, जो बिल्कुल मंदिर के पीछे रुका हुआ है भाई। और बताते हैं कि ये उस जगह से आया यार, वो दूर से आया था, 2013 की जो त्रासदी हुई थी उसमें आया और यहाँ आके रुक गया। यहीं से जितना भी पानी का बहाव था, कीचड़ वगैरह, सारा मंदिर के ऊपर से निकल गया दोस्तों, और हमारा केदार बाबा का मंदिर बिल्कुल सुरक्षित। देखें ये ऐसा कुछ है भीमशिला। तो फ्रेंड्स, जब से ही इस भीमशिला पत्थर को भी लोग पूजते हैं और हमारा मंदिर सुरक्षित। ओवरऑल फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरी वीडियो बताई केदारनाथ कैसे पहुंचेंगे, आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या ट्रेवलिंग के लिए आपको साधन मिल जाएंगे, क्या रूम है, क्या किराया है उसका। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना यार। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और ऐसे ही नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।